Now coming to the next stanza here, if you see, so you will see that the onomatopoeia is used again. Growled and meow are the word that are sound words. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So here we will see, pistol is a handgun which he was in his left hand. उसके हाथ में, बाएं हाथ में एक pistol थी, एक बंदूक थी. पिस्टल इन हिज राइट, और उसके राइट हाथ में भी एक पिस्टल थी, यानी दोनों हाथों में एक एक पिस्टल थी. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. कटलास मींस होता है एक छोटी सी तलवार जिसका ब्लेड कर्व हो, घूमा हुआ हो. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी जो बियर्ड थी, जो दाढ़ी थी, वो ब्लैक कलर की थी. वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की लगी हुई थी, यानी उसकी टांग टूट चुकी थी. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड. उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर लगता था कि वो बहुत मजबूत या ताकतवर नहीं था. सो हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट. ही सेज दैट द पायरेट वाज होल्डिंग हैंडगन्स इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स. ही सेज दैट ही वाज होल्डिंग हिज स्वॉर्ड विद हिज टीथ. ही हैड अ ब्लैक बियर्ड एंड हिज नो एंड हिज वन लेग वाज मेड अप ऑफ वुड. This means that though he was a disabled person, but still he was frightening. He was able to frighten all the other characters which are being introduced in this poem. तो यहाँ हम देखते हैं कि B sound का repetition हुआ है. So when the sound is repeated, it is alliteration. और यहाँ was, would. So this is also alliteration. Was sound has been repeated. Come to the next paragraph. In the next stanza, Belinda paled and she cried, help, help. But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. So, yahan paled is yellow color. Help, help. Yelp means yelling, sharp. एक sharp cry जो होती है, चिल्ला के रोना तेज से. Trickled means here run away. Down to the bottom of household. Strategically means होता है well planned, अच्छी तरह से plan किया हुआ. Mouse hold का मतलब यहाँ पर किससे है, वो place जहाँ mouse रहते हैं, mice रहते हैं. तो बेलिंडा जो थी वो पीली पड़ गई जैसे ही उसने उसको देखा, और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी. और जो मस्टर्ड था वो दौड़कर वो भी हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा. इंक जो थी वो अपने हाउस होल्ड में नीचे छिप गई, ऐसा लगा जैसे उसने पहले से ही प्लान किया हो कि उसे अपने बिल में जाकर छिप जाना है. तो यहाँ पर राइटर बताता है कि व्हेन ऑल ऑफ देम सॉ द पायरेट दे गॉट फ्राइटेंड. बेलिंडा वॉज सो फ्राइटेंड that she turned pale due to fear and started crying for help. She cried for help, help. She turned yellow. Mustard the dog started crying for help too, and the kitten ink also. What it did, it ran away to his hole in order to save himself, and it was looking like it was already planned that he wanted to hide himself somewhere safely. तो इस पैराग्राफ में हेल्प और हेल्प, दीज वर्ड्स आर रिपीटेड. सो हियर इट इज रेपिटेशन. पोएटिक डिवाइस इज रेपिटेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्रम. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. सो हियर वी विल सी स्नोर्टिंग. Snorting like an engine. Snorting is a sound word. जैसे explosive sound नहीं आते हैं, इंजन से आते हैं, वैसे sound. तो उसने बताया कि कस्टर्ड जो था वो उसने जंप किया और उसने ऐसे गुर्राहट भरी आवाज़ निकाली. Clashed his tail like irons in dungeon. तो उसने अपनी clash means लड़ा tail से fought. Dungeon means underground prison. एक जेल जो होती है underground होती है, उसमें से निकलकर जैसे लड़ रहा हो. क्लैटर मीन्स होता है साउंड. क्लैंक जो होता है किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे गिराते हैं तो वो क्लैटर और क्लैंक की साउंड आती है. एंड अ जेंगलिंग स्क्रम जो साउंड उससे, जेंगलिंग स्क्रम में है
कोचीज नीचे गिरना. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. रॉबिन एक वर्ड होती है, बर्ड, चिड़िया, जो वॉर्म, जो कीड़े पकड़ने के लिए दौड़ती है. तो उसने बताया कि कस्टर्ड, जो कि बिल्कुल कमजोर माना जाता था, जो बहादुर नहीं था, उसने हिम्मत दिखाई, उसने अपने आप को आयरन की तरफ बाहर निकला, जैसे कि अपनी पूंछ को लेकर, और उसने उनके ऊपर ऐसे हमला किया जैसे कि रॉबिन चिड़िया कीड़े को पकड़ने के लिए हमला करती है. तो वेन ऑल दी अदर कैरेक्टर्स दैट वर अर्लियर डिफाइंड वर वेरी फ्राइटेंड बिकॉज दे वर आइडेंटिफाइड एज ब्रेव, बट हियर वी फाइंड दैट दे वर फ्राइटेंड. द ड्रैगन डिड नॉट मोस्ट अनएक्सपेक्ट डिड मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग बिकॉज वी नेवर थॉट दैट ड्रैगन कुड बी वेरी ब्रेव. ही वॉज कंसिडर्ड वेरी कवर्ड. सो वट ही डिड, ही नॉट ओनली हिट हिज टेल ऑन द ग्राउंड विद ग्रेट फोर्स बट ऑल्सो ही मेड मैनी साउंड्स लाइक द साउंड्स ऑफ मेटल्स, दी साउंड्स क्लैटर क्लैंक एंड ऑल. हाँ, ही अटैक्ड द पायरेट जस्ट लाइक अ रॉबिन बर्ड दैट अटैक्स द वर्म्स. तो यहाँ स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजिन, सो हियर हिज स्नोर, हिज साउंड हैज बीन कंपेयर्ड विद एन इंजिन एंड द वर्ड लाइक हैज बीन यूज, सो इट इज सिमली हियर. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गर्ब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन. He fired two bullets and they did not hit and Custard gobbled him every bit. अब इस पैराग्राफ में देखिए, इस stanza में तो क्या हुआ, the pirate gaped. Gaped means started with mouth wide open at Belinda's dragon. उसने उसके ऊपर हमला कर दिया अपना मुंह ओपन करके. And gulped some grog from his pocket flagon. Gulp means होता है swallow करना और ग्रॉग मिस होता है ड्रिंक. तो उसने अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए अपने जेब से एक अल्कोहल का बॉटल निकाला और उसको गैलप और उसके बड़े बड़े घूंट पी लिए. फ्लैगन मिस एक कंटेनर होता है जिसके अंदर उसने ड्रिंक स्टोर की हुई थी. ही फायर्ड टू बुलेट्स, उसके बाद अपनी ताकत इकट्ठी करके उसने दो गोलियाँ उस पर चलाईं. किस पर चलाईं, ड्रैगन पर चलाईं, बट दे डिड नॉट हिट, और वो उसको नहीं लगी. एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, लेकिन कस्टर्ड ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और जाकर उसको गॉबल में पूरे का पूरा निगल जाना. गॉबल ने उसको पूरी की पूरा निगल लिया. सो हियर द पायरेट गॉट सो शॉक्ड बाय द ड्रैगन्स रिएक्शन दैट ही ओपन्ड हिज माउथ वाइड विद शॉक. एंड व्हाट ही डिड टू गैदर सम स्ट्रेंथ, ही ड्रैंक सम अल्कोहल फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ हिज पॉकेट. एंड आफ्टर गैदरिंग सम करेज व्हाट ही डिड, he started shooting on the custard but it all got missed. Custard the dragon ate every bit of his fierce looking pirate. In this way he was able to kill the pirate. Next. तो इस तरह से हम देखते हैं कि पायरेट जो है वो किसके हाथों मर जाता है, कस्टर्ड, जो कि बहुत कंसिडर कैसा होता था, बहुत कमज़ोर होता था. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस मींस होता है गले लगाना, हक करना. मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको प्यार किया, चाटा. नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोर्न मींस होता है फीलिंग सोरो फॉर द डेथ ऑफ समवन. तो जो विक्टिम था, जो आया था पायरेट उन पर हमला करने, उसकी मौत का मातम किसी ने भी नहीं किया. इंक एंड ब्लिंक इन अ ग्ली डिड गायरेट, तो ब्लिंक और इंक जो थे, ग्ली मीन्स होता है डिलाइटफुल होना, गायरेट मीन्स डांस्ड, वो बहुत खुश हुए कि वो सब नाचने लगे अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट. और वो किसके सामने नाचने लगे, वो ड्रैगन के सामने खुश होकर नाचने लगे क्योंकि उसने पायरेट को मार दिया था. तो वेन द पायरेट वॉज डेड, बेलिंडा हग्ड द ड्रैगन एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम. नो वन वॉज सैड फॉर द डेथ ऑफ पायरेट, दे ऑल वर हैप्पी. बोथ इंक और ब्लिंक वर रनिंग अराउंड एंड डांसिंग विद हैप्पीनेस. सो हियर द पोएट से दैट ऑल द कैरेक्टर्स वर हैप्पी एंड दे वर शोइंग देयर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द ड्रैगन एज ही हैड सेव्ड ऑल ऑफ देम. सो इन दिस पैराग्राफ वी सी दैट नो वन मोर्न फॉर्ड, सो O sound has been pressurized here, mourned for no one. So here we see this is usage of vowel.
वोवल साउंड पे प्रेशर है इसलिए यहाँ एजोनेंस का यूज हुआ है. द पोएटिक डिवाइस इज एजोनेंस हियर. सी नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ. नेक्स्ट स्टैंजा. बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक. एंड कस्टर्ड सेड आई क्विट क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. अब देखिए यहाँ किस तरह से ये कैरेक्टर फिर से चेंज हो जाते हैं. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर अपनी अपनी शेखियाँ बघारने लगते हैं. प्रेजेंटली स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड. सबसे पहले मस्टर्ड बोला कि अगर मैं होता मैं तुमसे दुगना ब्रेव होता और मैंने शायद उसको फ्लस्टर्ड मीन्स कन्फ्यूज कर दिया, तुमने उसको कन्फ्यूज कर दिया, मैं उसको अच्छे से मारता. एंड अब स्पोक इंक एंड स्पोक ब्लिंक. अब दोनों कूद पड़े, कौन इंक और ब्लिंक भी अपनी जो है बहादुरियाँ दिखाने लगे. वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक. कहते जितने हम ब्रेव हैं उससे भी थ्राइस तीन गुना ज़्यादा ब्रेवरी उसके सामने हम दिखा सकते थे. एंड कस्टर्ड साइड आई सेड आई क्वाइट अग्री. और कस्टर्ड बेचारे ने फिर से कहा कि हाँ मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ. दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. कि हाँ तुम सब मुझसे भी ज़्यादा ब्रेव हो. सो हियर वी लर्नड दैट आफ्टर दे थैंक्ड एंड शोड देयर लव टुवर्ड्स द ड्रैगन दे चेंज देयर माइंड अगेन. दे वर रिमाइंडेड ऑफ हाउ दे यूज टू मेक फन ऑफ दिस ड्रैगन पुअर ड्रैगन एंड नाउ दे वर ऑल प्रेजिंग हिम. सो एट वंस द डॉग सेड दैट इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सम कन्फ्यूजन दैट ही वॉजंट एबल टू डू एनीथिंग अदरवाइज ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड ही सेड. But both Ink and Blink also said that they would have been three times braver than Custard. To this, the dragon said, "Okay, I am fully agreed with you because I know that you are powerful and braver than me." So here in this stanza, there is no rhyming scheme can be seen. Sorry, poetic device. Now we will go ahead with next stanza. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her yellow dog and her little red wagon and her yellow trolley little pet dragon. तो बेलिंडा अभी भी उसी घर में रहती है, उसके उसी छोटे से वाइट घर में. और उसके साथ कौन है, उसका छोटा किटन और उसका ग्रे माउस है और उसका वही येलो लिटिल डॉग है और रेड वैगन है और वो सब रियली ट्रूली सब उसके जो पेट है ड्रैगन उसे अभी भी बहुत छोटा माना जाता है. तो ये अगेन वही लाइनें हैं कि फिर बताते हैं अब उस घर में वो सब फिर से रहने लग जाते हैं. एट लास्ट द पोएट हैज़ यूज्ड दीज सेम लाइंस अगेन कि दे ऑल हैव स्टार्टेड लिविंग इन द सेम हाउस. सो हियर शी सेज दैट दे ऑल आर अगेन इन द सेम हाउस. Belinda is still living in the same white house with Ink, Blink, Mustard and Custard and all of them are very brave and poor little dragon is still considered as coward and still it is asked to stay in the cage. He is still demanding for the safe cage. Last paragraph पे आते हैं, देखिए. तो यहाँ पर Relio and Trelio is again repetition. Belinda is as brave as a barrel full of bears and Ink and Blink cures lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in the raid but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो हम देखते हैं कि Belinda अभी भी अपने आप को ऐसे brave बताती है जैसे कि barrel. You know barrel, barrel is again I told you earlier कि वो बहुत बहादुर अपने आप को बताती है. और जो एक ऐसा barrel जो full of bears, उनसे bears से भालुओं से भरा हुआ घर है और वो अपने आप को ऐसा ही बताती है. एंड इंक और ब्लिंक जो हैं वो दोनों किसकी तरह रहते हैं, उसी तरह ताकतवर जैसे नीचे शेर को दौड़ा रहे हों. तो मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज और मस्टर्ड फिर से वैसे ही बहादुर है जैसे कि वो टाइगर को हरा सके, जैसे टाइगर एंगर में होता है. और कस्टर्ड अभी भी वैसा ही है बेचारा, एक सेफ केज की डिमांड करता है. तो एट लास्ट द पोएट हैज़ यूज द सेम लाइन्स अगेन टू शो that after this terrific episode in which the dragon was the real hero where all the other characters were under the pressure
एंड दे ऑल वर नॉट दैट पावरफुल एट दैट टाइम बट दे आर स्टिल प्रूविंग देमसेल्फ टू बी मोर पावरफुल देन द पुअर कस्टर्ड एंड कस्टर्ड इज स्टिल कंसिडर्ड अ कॉवर्ड एंड ही इज स्टिल लुकिंग फॉर अ सेफ नाइस केज. सो हियर द एपिसोड एंड्स एंड आई होप यू लाइक द स्टोरी. द स्टोरी टेल्स दैट इवन आफ्टर पुटिंग ऑल हिज एफर्ट टिल द एंड द पुअर ड्रैगन वॉज कंसिडर्ड एज कस्टर्ड. कस्टर्ड मीन्स कवर्ड हियर. तो उसको बेचारे को शुरू से एंड तक उसने सब कुछ किया, उसके बाद भी उसको कवर्ड ही या कायर ही समझा गया. सो हियर द पोएट्री एंड्स. वी विल बी मीटिंग इन द लास्ट पोएट्री ऑफ द सेम क्लास, क्लास 10th. टिल देन टेक केयर एंड फॉर मोर अपडेट्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. We will soon meet in the last poetry. If you have any confusion, do comment in the comment section. I will sort it out.